Hello students, I am Nidhi Sahu, your English teacher in class 5th. Today I will teach you English reader in class 5th chapter 1. This is going to hurt just a little bit. Composed by Ogden Ness. Chapter 1st, this is going to hurt just a little bit. जिसको कंपोज्ड किया है ऑग्डन नेस ने. फर्स्ट स्टेंजा है, वन थिंग आई लाइक लेस देन मोस्ट थिंग इज सिटिंग इन ए डेंटिस्ट चेयर विथ माई माउथ वाइड ओपन एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन इज अ होप दैट आई एम अगेंस्ट होप ओपन. कवि के अनुसार या यहाँ पे पोएट का मानना है कि जो चीज उसे सबसे कम पसंद है वह है डेंटिस्ट की चेयर पर अपने चौड़े से मुंह के साथ बैठना. डेंटिस्ट की चेयर पर बैठना कवि को कम पसंद है. एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन इज अ होप दैट आई एम अगेंस्ट होप ओपन. प्रत्येक टाइम या हर बार जब वह अपने डेंटिस्ट की क्लिनिक से बाहर निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे दोबारा उस डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा. अ होप दैट आई एम अगेंस्ट होप ओपन. लेकिन उसे अपनी आशाओं के खिलाफ जाकर उस डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है. सेकेंड स्टेंजा है, बिकॉज सम टॉर्चर्स आर फिजिकल एंड सम टॉर्चर्स आर मेंटल बट द वन दैट इज बोथ इज डेंटल आई इट इज हार्ड टू बी सेफ पासेस्ड विथ योर जॉ डिगिंग इन योर चेस्ट. बिकॉज क्योंकि सम टॉर्चर्स मीन्स कुछ यातनाएं आर फिजिकल मीन्स शारीरिक एंड और सम आर मेंटल और कुछ मानसिक. मेंटल मीन्स मानसिक. उसके अनुसार कुछ यातनाएं जो शारीरिक होती हैं और कुछ यातनाएं मानसिक होती हैं. बट द वन दैट इज बोथ इज डेंटल. लेकिन जो दोनों ही यातनाएं हैं वो डेंटिस्ट के पास जो है उसे झेलनी पड़ती हैं. दोनों ही यातनाएं कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही यातनाएं हैं जो उसे डेंटिस्ट के पास जाने से होती हैं. इट इज हार्ड टू बी सेल्फ पासेस्ड. जब इट इज हार्ड वह कठिनता से अपने आप को जब डेंटिस्ट के पास जाता है विथ योर जॉ डिगिंग इन टू योर चेस्ट, तब जो उसका उसके जब उसके साथ उसका जो जबड़ा है उसके सीने को जो है डिगिंग मीन्स खोदना और जॉ मीन्स जबड़ा, उसके जो सीने में जैसे कुछ खोदने सा लगता है और वह जो है डेंटिस्ट के पास जाने से घबराता है या वो अपने आप को आत्मकठोर नहीं कर पाता है. ओके स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा आपको रीड करवा दिया है. यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है उसको आप उसकी मीनिंग आपको लिखनी है एंड चैप्टर को रीड करना है. ये आपका होमवर्क है एंड जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो रिपीट नहीं किया जाएगा. एंड टेक इट सीरियसली एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.